हेलो गाइस, मैंने एक नया फ़ोन ख़रीदा है जिसका नाम है मोटो G5S Plus। ये मैंने अमेज़ोन से ख़रीदा है, अमेज़ोन की जो सेल चली थी ग्रेट इंडियन सेल उससे ख़रीदा है। और ये मेरे को पड़ा है करीब करीब 16,000 का पड़ा है अमेज़ोन से। और इसके बारे में बात करूँ तो इसके साथ आपको मिलता है 5.5 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले। फिर इसके साथ आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन का 2.5 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर। फिर आपको डुअल 13 MP के कैमरे, जो रियर कैमरे हैं वो मिल रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको फ्रंट कैमरा जो मिल रहा है वो 8 MP का मिल रहा है। इसके फीचर्स के बारे में बात करूँ तो नॉर्मल फीचर्स हैं, जैसे NFC का सपोर्ट है। फिर नॉर्मल आपको डॉल्बी के स्पीकर्स मिलेंगे और जो मोटो की तरफ से जो बेसिक चीज़ें होती हैं वही मिलते हैं। तो चलिए बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं बॉक्स कंटेंट्स क्या हैं और इसके साथ साथ आपको क्या मिलता है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए मैं बॉक्स को खोल के देखता हूँ और क्या है कंटेंट्स। तो इसके साथ बॉक्स खोलने में पता चलता है तो आपको एक मोटो G5S फ़ोन मिलेगा। फ़ोन के बारे में बात करूँ तो यार पकड़ने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और मेटल बॉडी है, बहुत हाथ में अच्छी फीलिंग है और बहुत सख्त बॉडी लग रही है। इसके साथ बात करूँ तो ये आपको माइक मिलेगा, आपको इसके साथ ये डॉल्बी के स्पीकर्स, और फिर आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर, फिर डुअल कैमरा जो कि मोटो का हमें ये मेरे को सबसे अच्छा कैमरा अभी तक है। और इसके बाद 3.5 mm जैक, और पकड़ने में बात करूँ तो बहुत अच्छी फीलिंग दे रहा है। फिर आपको इसके साथ प्राइमरी कैमरा, फ्लैश और नॉर्मल चीज़ें मिलती हैं। इसके साथ सेंसर्स भी नॉर्मल वो होते हैं। फिर देखते हैं NFC इसमें गिवन है। और तो चलिए देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसे फ़ोन को साइड में कर लेते हैं। इसके साथ आपको बेसिक गाइडलाइंस मिलती हैं जो हर फ़ोन के साथ आपको मिलती हैं। और बात करूँ तो चार्जिंग की बात करूँ तो यार इसमें बहुत अच्छा टर्बो चार्जिंग दे रखी है जो कि 2.5 एम्पेयर का आउटपुट देती है, 2.8 एम्पेयर का सॉरी। फिर केबल के बात करूँ तो बेसिक से केबल है, कोई खास नहीं। और फिर अच्छी बात कि आपको इसके साथ एयरफोन दिया है जो आजकल चाइनीज़ फ़ोन खा जाते हैं यार, ऐसी चीज़ें अच्छी बात है। इसके साथ ही साथ आपको सिम कार्ड इजेक्टर मिलता है जो बेसिक से चीज़ें हैं, हर फ़ोन के साथ मिलती रहती हैं। तो गाइस चलिए नॉर्मल बॉक्स कंटेंट को साइड में करते हैं और फ़ोन के बारे में देखते हैं क्या है। तो गाइस मैं इस फ़ोन को खोल के देखता हूँ कि क्या क्या आपको फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहले इसकी प्रोटेक्शन हटा रहा हूँ, फिर देखता हूँ खोल के और रिबूट करता हूँ। इसके बाद आपसे बात करता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। मैंने इस फ़ोन की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है और अब फ़ोन आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फ़ोन में क्या क्या फ़ीचर्स हैं और क्या क्या नया है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़ोन के बारे में बात करूँ तो बहुत स्मूथ है, चल रहा है। और सेटिंग्स के बारे में देखते हैं तो देखते हैं इसके साथ आपको मिलता है एंड्रॉयड का न्यूगट 7.1.1। फिर आपको नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं सेटिंग्स में वो मिलती हैं। फिर बारे प्रोसेसर के बारे में बात करूँ तो आपको इसके साथ स्नैपड्रैगन का 625 मिलता है। और नॉर्मल कैमरे के बारे में बात करूँ तो डुअल कैमरा पीछे है और जो कि 13 MP का है, और फ्रंट कैमरा है आपको 8 MP का मिलता है। पीछे आपको डुअल फ्लैश भी मिलता है। और नॉर्मल डिज़ाइन के बारे में बात करूँ तो इससे पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि बहुत अच्छा डिज़ाइन है। मैंने इसके स्पीकर भी टेस्ट करे, बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छी आवाज़ आ रही थी। और इसके बारे में और बात करूं तो आपको इसके साथ जो बैटरी मिलती है, बैटरी लाइफ मिलेगी आपको 3000 mAh की, जो कि मेरे को सब कुछ ओवरऑल फीचर्स के देखने के हिसाब से कम लगती है क्योंकि आपको इसके साथ स्नैपड्रैगन मिल रहा है जो कि अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको बैटरी 3000 mAh की मिल रही है तो यार आप इसे ज़्यादा यूज़ मतलब ज़्यादा लंबी बैटरी लाइफ नहीं यूज़ कर सकते हैं। फ़ोन के और स्पेक्स के बारे में बात करूँ तो आपको इसके साथ डुअल सिम का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ आपको अलग से आप अपना कोई SD कार्ड भी डाल सकते हैं जिसे 128 GB तक एक्सपेंडेबल किया जा सकता है फ़ोन को। इसके साथ और बात करूँ फ़ोन की तो फ़ोन की जो कैमरे की चीज़ें हैं वो मैं वीडियो के एंड में आपको इसके कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करके मैं दिखा दूंगा कि कैसे कैमरा है इसका। कैमरे के बारे में बात करूँ तो लेनोवो ने अपने लॉन्च के टाइम पे कहा था कि इसका कैमरा बहुत ही अच्छा जाएगा। तो देखते हैं कि आप एंड में वीडियो में देख सकते हैं कि कैसा होगा इसका कैमरा। साथ ही साथ फ़ोन में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स मिलते हैं, जैसे NFC के बारे में बात करूँ तो आप इसे जो पेमेंट्स करते हैं आप ऑनलाइन पेमेंट्स उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके साथ ही साथ आपको नॉर्मल बेसिक ऐप्स जो होती हैं वो मिलती हैं, और गेम्स की हो गए, गूगल की तरफ से ऐप्स हो गए हैं। तो गाइस ओवरऑल फ़ोन के बारे में बात करूँ तो मेरे को ये फ़ोन अच्छा लगा इस प्राइस रेंज में। साथ ही साथ आपको इसके साथ स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर मिलता है वो भी काफ़ी अच्छा है इसके साथ। और ओवर फ़ोन के बारे में एक मेरे को जो अच्छी चीज़ नहीं लगी वो है बैटरी। बैटरी लाइफ यार इसकी बहुत कम है तो बैटरी पे मतलब अच्छा होना चाहिए। जो फ़ोन की एक अच्छी बात है वो है तो मोटो ने पहले ही कह रखा है कि आपको इसके साथ एंड्रॉयड ओरियो मिलेगा जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और ओवरऑल मेरे को ये फ़ोन अच्छा लगा। अगर आपको ये लेना है तो आप इसे परचेस कर सकते हैं, अमेज़ोन से ख़रीद सकते हैं, आपको ये पड़ेगा 16,000 में।